रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाजें आती थी। मेरी सासू माँ जी कब की मर चुकी थी। ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर जी ने जो किया, हे भगवान, जब मैंने पहली रात वो दिल दहला देने वाली चीखों की आवाजें सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी हुई और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साई टेबल पर लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे और चीखों की पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति शिव अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं शिव की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से शिव से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर जी बहुत देखरेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मैंने शिव से लव मैरिज की थी। हम एक दूसरे को कॉलेज से ही जानते थे और वहीं हम फोन पर भी बातें करते थे। हमारे रिश्ते को 5 साल हो चुके थे और अब कॉलेज ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए हमने शादी करने का फैसला लिया। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने यह शोर सुना था। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी हैं और कहां से आ रही है। कौन है जो इस वक्त इस तरह की तेज आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती हूं। आधा घंटा वह आवाज़ गूंजती रही, उसके बाद शांति छा गई। मुझे शिव की नींद देखकर हैरत हो रही थी, वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ें आनी ऐसे बंद हो गई थी जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आँखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 3-4 मील दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया और बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह शिव प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तानकर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। शिव बिस्तर से उठ के अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में है, वहीं पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम खूबसूरत लहंगा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस लहंगे को पहना था। शिव कमरे से जा चुका था।
तो कुछ लड़कियों मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे ज्वेलरी पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर गई तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे, फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किए। फिर मुझे बाहर ले गए जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी के कहने पर ये हमारे घर की नई मालकिन है, शिव की बीवी। सभी औरतें ने मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी, तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। शिव से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव की कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और शिव मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई। वो मुझे प्यार से देखने लगे। फिर मैंने आँखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, शिव बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों शिव की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैंने नींद में होते हुए भी पूरी आँखें खोलकर उसे घूरने लगी। शिव, मैं गाँव में 2-3 से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छे से तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से, अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का, मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आँख उसी शोर से खुल गई थी, वही एक लड़की की चीखों की पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठ बैठी और शिव को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, शिव किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर शिव के नज़रें चारों ओर घुमाई, कहने लगा, कैसी आवाज़ें, मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी, ये कैसे मुमकिन था। मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन शिव को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से शिव की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। वो कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी, इसका मतलब कोई भूत प्रेत, ये सोच के तो मैं और भी कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं शिव से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने शिव से शहर जाने को कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है, मुझे डर महसूस हो रहा है, मुझे 2 दिन से यहाँ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। और शिव मुझे ध्यान से देख रहा था, वो बार बार मुझे चुप करा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं, किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है। ऐसा मुझे जब मैं छोटा था तो पापा ने बताया था, लेकिन उस साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना क्या मेरी भाभियाँ यहाँ रह सकती थी। मुझे शिव की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था, मुझे बस दिल्ली जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर जी ने शिव से पूछा था कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो। यह सुनकर शिव का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में बड़ी खुशी थी
कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। शिव ने कहा, पापा जी जो आपका आदेश। शिव ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने पापा को बहुत मानता था। ससुर जी के कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई तो मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया। मैंने कहा, मुझे अपनी और शिव की पैकिंग भी तो करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी शिव को देखने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह बात नहीं बताई कि अब यह यहीं रहेगी। यह बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं आश्चर्य से शिव की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारी घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती, तुम यहीं रहोगी, दिल्ली सिर्फ शिव जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि शिव ने पहले यह नहीं बताया था। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ में दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से में वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे से झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही शिव कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना, तुमने मुझसे कहा था हम दिल्ली में रहेंगे, तुम अपने पापा से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊँगा। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी, रात के वक्त वो चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी, मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, तुम उन चीखों पे ध्यान मत दो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। शिव की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। शिव कुछ देखकर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं पापा जी से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम कर दे दूंगा, वो तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। शिव शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उससे नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसकी चेहरे की रंगत उड़ जाती और वो डर जाती थी, फिर ना मैं सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी है। मैंने उसकी डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और है, इसलिए उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाह होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि ये सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान ली कि सच्चाई क्या है, इसका पता लगा कर रहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन हो रहा था कि यह मामला भूत प्रेत का तो नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हुई और दबे पांव अपने कमरे से दरवाजे के पास आई और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वो आवाज़ें अब मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी।
जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे ससुर जी का कमरा था जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। राजेंद्र यानी कि मेरे ससुर जी के कमरे से आ रही थी आवाज़ें सुन के मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाज़ें, मैं खुद से बातें करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस किस्म की सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर जी और औरतों के साथ, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था, ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे, मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, शिव ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी तो रो रो कर आँखें सुजा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद ही मुस्कुराने लगे, फिर बोले कि शिव वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी जी नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था, दिल में नेक और रहम दिल बना रहता था, और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। रात को जब दोबारा वही आवाज़ें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे में हॉल से देखने लगी, वो एक 12 साल की लड़की थी, गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई, कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने शिव को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो चीखे गांव की मासूम लड़कियों की हैं जो तुम्हारे पिताजी की हवस का शिकार बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब शिव को कह दिया। मेरी बात सुनकर भी सदमे में आ गया और कहने लगा कि मुझे नहीं पता था, मेरा बाप हमेशा मुझे हवेली से बाहर इसलिए रखता था और मुझसे पूर्वजों की आत्मा बताते थे ताकि अपनी काली करतूतें दुनिया से और मुझसे छुपा सके। मैं वापस आ रहा हूँ और जब तक मैं आऊँ दरवाजे को बंद रखना, कभी वह लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मैं शिव की बात सुनकर और भी ज़्यादा डर गई थी। शिव ने फ़ोन काट दिया और मैं बुराई होता देख के कैसे चुप रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो राजेंद्र के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि राजेंद्र कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। राजेंद्र के कमरे की बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे की दुल्हन की कमरे की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात के 2 बजे राजेंद्र उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 13 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वह नौकर
उस लड़की को कमरे में अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चले गए। राजेंद्र एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखों पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाज़ा बजाकर थक गई तो राजेंद्र के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, राजेंद्र साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा ससुर गुस्से से उठा और उसकी बाल पकड़कर कहर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से ज़मीन पर पटका था, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किए, वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसकी लड़की के चेहरे पे लगाया, उस लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। राजेंद्र तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई और है। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे की बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाके छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी, बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं एक घनी झाड़ी में छिप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी, मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद वो नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक ऐसे पेड़ पर चढ़ने लगी जो हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहां पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली से आ वहां रुकी। मैंने उस बस की खिड़की पर शिव को बैठे हुए देखा। मैंने चिल्लाते हुए शिव को आवाज़ दी। शिव ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, वह भागकर बस से नीचे उतरे और मुझे गले लगा लिया। मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह यहाँ, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ कुछ? मैंने कहा, नहीं शिव, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे बाप के खिलाफ मेरे पास सबूत है। हम दोनों वापस दिल्ली आ गए। वहाँ पहुँचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो कि आईपीएस अफसर थे, उन्हें वो वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और राजेंद्र के साथ साथ उन नौकरों को भी जेल हो गई थी। वो लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे। और अब मैं और मेरे पति दिल्ली में ही रहते हैं। अब हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और हमारी एक प्यारी सी बेटी है। मैं अपनी बेटी, अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन उस दिन के बाद हम कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए जहां उन मासूम लड़कियों के साथ गलत हुआ था। लेकिन मैं खुश भी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई। धन्यवाद दोस्तों।